सब बीच में बात बात भी हो जाती, शिवांगी से बात हो जाती है। सो ये सब तो राजन जी का ही दिया हुआ ना, इन सब से मिलवाया उन्होंने ही है। ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहिए, हर एक को शुक्रगुजार होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी ग्रेटफुल। जैसे हमेशा ये कहते हैं ना, हेड हेड ऑन द शोल्डर्स, ग्रैटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी। एंड जब मैंने अनुपमा किया था तब मैंने यही उनसे कहा था कि मैं पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आई लुक नाउ, हाउ आई एम राइट नाउ, बट फॉर मी द ओनली थिंग दैट आई कैन गिव यू इज़ हार्ड वर्क एंड लॉयल्टी। एंड उसके बदले में, वो दो चीज़ों के बदले में राजन जी ने मुझे इतना कुछ दिया, मुझे मुझे सब कुछ, सारे सपने मेरे पूरे कर दिए। एंड अश्विन ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई फील ओवरवेल्म्ड व्हेन आई टॉक अबाउट राजन जी। मुझे मेरे पापा की छवि दिखती है उनमें बहुत, मतलब जिस तरह से उनका विजन है, जिस तरह से वो सोचते हैं और जिस तरह से वो सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, सो आई जस्ट फाइंड माई फादर्स छवि इन हिम। मैं जेन्युइनली, मेरे लिए राजन शाही क्या है मैं बता भी नहीं सकती हूँ। एंड अश्विन वर्मा नहीं होते तो मैं तो होती नहीं। यार मिलने का मौका कहाँ दिया, तुम लोग जहाँ देखो तो माइक लेके आ जाते हो। अभी जो स्टेज पे ही हम मिले, शहीर से मिली, प्रणाली और हर्षद तो चले भी गए, अब कहीं बाहर मिलेंगे तो मिलेंगे, बट या वी बिकम लाइक, तो वी बिकम फ्रेंड्स, वी बिकम गुड फ्रेंड्स एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद देम, मज़ा आता है मुझे। प्रणाली से बीच में बात बात भी हो जाती, शिवांगी से बात हो जाती है। सो ये सब तो राजन जी का ही दिया हुआ ना, इन सब से मिलवाया उन्होंने ही है। मैं फैंस नहीं कहती, मैं उन्हें अपनी डिजिटल फैमिली कहती हूँ, मैं उन्हें अपनी वो फैमिली कहती हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देती, बिकॉज प्यार आपको फैमिली ही कर सकती है। मैं आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग अनुपमा को इतना प्यार देते हैं, हर जर्नी में इतना सपोर्ट करते हैं अनुपमा का। जिस तरह से अभी भी हमें फीडबैक मिल रहा है कि अनुपमा की जो नई जर्नी शुरू हुई है बिना अनुज के, जो पॉजिटिविटी एक तरीके से, जो मतलब जब मैं सीन्स पढ़ती तो वैसा नहीं लगता है, तब रोमेश सर बताते कि नहीं इसको ऐसा करना है, हंस के करना है। तो वो सारे जो आप लोग जो इतना प्यार देते हैं ना, हौसला अफजाई करते हैं, बस दैट गिव्स मी द, कभी कभी थक जाती हूँ, कभी कभी बहुत मतलब तबीयत भी खराब रहती है, लेकिन जो आप लोगों का प्यार मिलता है ना, उससे हिम्मत मिलती है कि नहीं मुझे अच्छा करना है। इतना प्यार मिलता है तो मैं कम से कम उसकी हकदार तो बनूँ, तो इसलिए मैं लगी रहती हूँ। ईद के लिए बेस्ट विशेस, आप सभी को चांद मुबारक, ईद मुबारक और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे जिनसे आप प्यार करते हैं वो सारे खुश रहें, और बस इस देश में खासकर शांति हो और सभी को सद्बुद्धि मिले।